हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं रुचि मैम आपका स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम आपके लिए यूजीसी नेट, आप जैसा कि आप सभी जानते हो और सभी छात्राएं जो हैं, हमारी सभी बहनें यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रही हैं। अभी विद इन 2 मंथ्स इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, तो इससे संबंधित हम कुछ प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं आपके लिए, यूजीसी नेट से रिलेटेड, जो हम सब के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, माल्टा आटा अच्छा साधन है। आप लोग इसको देखिए और इसका हमें रिप्लाई भी भेजिए, तुरंत हमें कमेंट्स करें और इसका आंसर भी आप लोग हमें बताते जाएं, ठीक है ना। कि जैसे ही मैं क्वेश्चन पढूंगी, आप भी देख मेरे साथ देखते चलिए और देखने के साथ साथ आप अपना भी आंसर भेजिए और फिर अपने आप में खुद में आकलन कीजिए कि वास्तव में मेरी कितनी तैयारी हो गई है और अभी हमें कितनी आवश्यक है, ठीक है ना। तो मेरे बताने से पहले आपका आंसर मुझे मिल जाना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको भी लगेगा कि नहीं, मैंने इतने क्वेश्चंस में कितने सॉल्व किए, आप स्वयं का आकलन कीजिए और फिर उसके बाद आप टोटल जितने भी क्वेश्चन हैं, इतने क्वेश्चन में आपने कितना राइट किया, उसका भी आप हमें तुरंत कमेंट्स करके बताइए। ओके, तो चलिए देखते हैं। माल्टा आटा अच्छा साधन है। माल्टा आटा, सबसे पहले माल्टा आटा अच्छा साधन है कैल्शियम का, फास्फोरस का, कॉपर का, विटामिन ए का। तो बताइए आप लोग, कमेंट्स करें कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। चलिए मैं बताती हूँ, जो माल्टा अच्छा साधन है वो किसका है, कैल्शियम का है। कैल्शियम का सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि माल्टा आटा किससे प्राप्त होता है। तो जो हमारा बाजरा है उससे क्या होता है, माल्टा आटा हमें प्राप्त होता है और उसमें क्या होता है, कैल्शियम का रिच सोर्स माना जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इसमें क्वेश्चन सेकंड क्या है, अभिकथन ए है विकास का आधुनिकीकरण। फ्रेंड्स, यहाँ आधुनिकीकरण है, आधुनिकीकरण नहीं है, क्या है, आधुनिकीकरण। विकास का आधुनिकीकरण प्रतिरूप गरीब देश के व्यक्तियों की मानसिकता में पैरोकारी करता है। क्वेश्चन समझिएगा, विकास का आधुनिकीकरण प्रतिरूप गरीब देशों में व्यक्तियों की मानसिकता में परिवर्तन की पैरोकारी करता है। कारण क्या है, कारण है आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक है कि लोगों को बाहरी दबाव के बजाय अपनी संस्कृतियों और परंपराओं से निर्देशित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर बी, ए गलत है आर सही है। ऑप्शन नंबर सी, ए और आर दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों गलत हैं। आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। देखिए इसमें क्या है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा, ए सही है और आर गलत है। कैसे ए सही है और गलत है, देखिए जो मानसिकता में परिवर्तन, अगर देश का ये यहाँ पर लिखा है कि आधुनिकीकरण प्रतिरूप गरीब देश में व्यक्तियों की मानसिकता में परिवर्तन की, ये बिल्कुल सही है कि जो भी गरीब देश हैं या गरीब परिवार हैं, किसी को भी आप गरीबता से जिसका जीवन स्तर नीचा है, तो उसके मानसिक परिवर्तन में स्वाभाविक सी है कि आपको चेंजमेंट देखने को मिलेंगे। और अगर हम बात करें रीज़न की, तो आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक है कि लोगों को बाहरी दबाव के बजाय अपनी संस्कृति और परंपराओं, तो आधुनिकीकरण का मतलब होता है
कि हम अधिक से अधिक जो प्रेजेंट में हमारी जो साइंस टेक्नोलॉजी है इसके माध्यम से जो आधुनिकीकरण हो रहा है उनका क्या करना है, हमें उनका अगर विकास करना है तो क्या हम अपनी कल्चर्स को इसमें लागू करेंगे तो क्या आधुनिकीकरण होना पॉसिबल है? नो, ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है। मीन्स यहाँ पर संस्कृति और परंपराओं से आधुनिकीकरण का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए क्या है, ए सही है और आर गलत है। ओके फ्रेंड्स, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंकुरण के समय जो एंजाइम सक्रिय होता है, तो अंकुरण के समय ऑप्शन नंबर ए है पेप्सिन, ऑप्शन नंबर बी ब्रोमोलिन, ऑप्शन नंबर सी एमाइलेज और डी है रेनिन, ठीक है ना? तो आप इसका आंसर दीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सबको आता होगा। देखिए हम आपको बताते हैं, अंकुरण के समय जो एंजाइम सक्रिय होता है वो एमाइलेज एंजाइम सक्रिय, बाकी जो हमारा पेप्सिन ब्रोमोलिन और रेनिन है ये पाचन के समय सक्रिय होते हैं। किस समय? ये पाचन के समय सक्रिय होते हैं, बाकी जो एमाइलेज है वो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ अंकुरण के समय सक्रिय होता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनिंदित भोज्य तत्वों को एक ऐसा भोज्य पदार्थ जिसमें वह तत्व उपलब्ध नहीं है में प्रयोग करना चाहिए, में प्रयोग करना है। क्वेश्चन समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। चुनिंदित भोज्य तत्वों को एक ऐसा भोज्य पदार्थ जिसमें वह उपलब्ध नहीं है में प्रयोग करना है, क्या कहलाएगा? इनरिचमेंट। क्या कहलाएगा? इनरिचमेंट। सबसे पहले आप देखिए इनरिचमेंट और ये फोर्टिफिकेशन, पहले देखिए फोर्टिफिकेशन क्या है। फोर्टिफिकेशन जो है तो इसका मतलब होता है कि अगर भोज्य पदार्थ में किसी भी पोषक तत्व की कमी है तो हम उसमें पोषक तत्वों की मात्रा को उपलब्ध करा दें किसी दूसरे सोर्स से। मीन्स सपोज़ नमक है और नमक में अगर आयोडीन की कमी है तो उसमें हम अलग से आयोडीन उपलब्ध करवा दें, दैट्स कॉल्ड फोर्टिफिकेशन। ओके, अब हम बात करें इनरिचमेंट क्या होता है। इनरिचमेंट होता है कि कोई भी, आप समझ रहे हैं ना, और इजी लैंग्वेज में अगर आपको बताएं तो कोई भी भोज्य पदार्थ है जिसमें पोषक तत्व तो था लेकिन अगर उस पर प्रोसेस किया गया तो वो पोषक तत्व तो क्या हुआ, नष्ट हो गया। तो उसी पोषक तत्व को उसमें बाद में उसकी उपलब्धता करा देना, दैट्स कॉल्ड इनरिचमेंट। ओके, और रिस्टोग्रेशन मीन्स पुनः किसी चीज़ को रिस्टोर करना, और सप्लीमेंटेशन होता है कि कोई भी भोज्य पदार्थ है तो उसे उस फॉर्म में ना देके उसके चेंज फॉर्म में दे देना। एग्जांपल के तौर पर जैसे आप दूध से दही को बना के देते हैं, दैट्स कॉल्ड क्या होगा, सप्लीमेंटेशन। इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इनरिचमेंट। ओके ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक दंपति बच्चा गोद लेना चाहता है, ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। एक दंपति बच्चा गोद लेना चाहता है, उन्हें किस संस्था के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है ना, समझ गए ना क्वेश्चन। इसमें देखिए जो सारी की सारे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ये सारे किससे संबंधित है, ऑनलाइन जो बच्चा, जब बच्चा गोद लिया जाता है तो उसी से संबंधित सारे आपके ऑप्शन हैं, लेकिन इसमें से आपको ये देखना है कि किससे हमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, तो वो है हमारा CARA सारा, ठीक है ना। मैं आपको ये संस्था क्या करती है, सारा जो है हमारी संस्था ये बच्चे को गोद लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं, बिकॉज ये क्या होता है, सेंट्रल लेवल की होती है और यही क्या करती है, फाइनली रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए या फाइनली ये बताती है कि आप बच्चा गोद ले सकते हैं, ठीक है। अब हम आपको देख नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि वैयक्तिक चिंतन और मन, वैयक्तिक चिंतन
मनन और ध्यान किस प्रकार के संप्रेषण का कार्य है? क्वेश्चन पढ़िएगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और आप सब इसका कमेंट्स करके ऑप्शन बताएं सबसे पहले कि तब तक हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, वैयक्तिक चिंतन मनन और ध्यान किस प्रकार के संप्रेषण कार्य हैं? ऑप्शन नंबर ए अंतः वैयक्तिक, ऑप्शन नंबर बी अंतर वैयक्तिक, ऑप्शन नंबर सी द्वि संप्रेषण, ऑप्शन नंबर डी अंतः सांस्कृतिक। देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन जो होगा अंतः वैयक्तिक। अंतः वैयक्तिक, देखिए जो हमारे कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं अगर आप इनको इंग्लिश वर्जन में पढ़ते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्पफुल करेंगे। बिकॉज क्या होता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वैयक्तिक चिंतन मनन और ध्यान, कोई भी पर्सन है सपोज हम ही हैं तो अगर हम किसी चीज़ को चिंतन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मन में सोच रहे हैं तो क्या हो रहा, ये क्रियाएं कहाँ हो रही, हमारे आंतरिक मनोभाव में हो रही है ना, मीन्स इंट्रापर्सनल। किस में? इंट्रापर्सनल, अंतः वैयक्तिक, ठीक है, ये अंतः वैयक्तिक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल, ठीक है, और जो हमारा अंतर वैयक्तिक होता है वो इंटरपर्सनल। इंट्रा मतलब अपने अंदर और इंटर, इंटर मतलब दो व्यक्तियों के बीच में, मीन्स अंतर वैयक्तिक क्या होगा, अंतर वैयक्तिक जो होगा, अंतर वैयक्तिक संप्रेषण होगा वो दो व्यक्तियों के बीच होगा, अकेले पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो अंतः वैयक्तिक होगा वो स्वयं से होगा, एक व्यक्ति स्वयं ही किसी चीज़ का आकलन चिंतन मनन कर सकता है। ओके, द्वि संप्रेषण भी यही होता है कि किसी दो लोग होंगे या दो टॉपिक, दो लोग होंगे द्वि संप्रेषण, और अंतः सांस्कृतिक से मतलब हो जाएगा कि अंतः सांस्कृतिक जो हमारे अंदर की सांस्कृतिक, सांस्कृतिक से कोई मतलब नहीं है, ये कोई संप्रेषण नहीं होता है, ठीक है ना, तो हमारा जो संप्रेषण है वो सबसे पहले क्या है, अंतः वैयक्तिक और आंतरिक, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, अंतः वैयक्तिक मीन्स इंट्रा पर्सनल। इसमें क्या होता है, पर्सन जो है वो स्वयं अपने ही अंदर चिंतन करता है, मनन करता है और उसका आकलन भी करता है, ठीक है, और जब जबकि जो अंतर वैयक्तिक होता है मीन्स इंटरपर्सनल होता है वो दो पर्सन्स के बीच में संप्रेषण होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन हमारा है टांकों की श्रेणियों में कौन सी श्रेणी सिंगल चैन स्टिच टांका दर्शाती है? सिंगल चैन स्टिच क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिंगल चैन स्टिच, इसका आप लोग आंसर हमें तुरंत कमेंट्स करके बताएं। मैं अभी देखती हूँ, ऑप्शन नंबर ए है 100, ऑप्शन नंबर बी 200, ऑप्शन नंबर सी 300, ऑप्शन नंबर फोर, ऑप्शन नंबर फोर यानी ऑप्शन नंबर डी 400। तो इसका जो सही आंसर है, राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 100। क्या है, जो हमारा सिंगल चैन, क्वेश्चन पूछा गया है सिंगल चैन स्टिच, सिंगल चैन स्टिच क्या कौन सा टांका दर्शाती है, टांका 100, और ये जो होता है वो हैंड स्टिच, क्या दर्शाती है, हैंड स्टिच होती है डबल, और जो 300 है वो लॉक टांका दर्शाती है, कौन सा टांका, लॉक टांका, और जो 400 है यानी 400 है ये मल्टी टांका दर्शाती है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये अभिकथन क्या है, अभिकथन कह रहा है कि विंडो भवन की दीवार के सिरे से बाहर की ओर खिलती है, बे विंडो, विंडो तो सब जानते हैं, बे विंडो कौन जानता है, बे विंडो क्या होती है, कमेंट्स करें, कर पाएंगे, चलिए लिखिए जो भी आता है। देखिए बे विंडो भवन की दीवार के सिरे से बाहर की ओर खुलती है, रीज़न क्या है, मीन्स कारण क्या है, इस दृष्टिकोण के साथ प्रारंभ किया गया, मीन्स बे विंडो को इस दृष्टिकोण के साथ प्रारंभ किया गया कि फ्लोर एरिया को बढ़ाया जाए ताकि बैठने की जगह अधिक हो सके,
तो क्या ये राइट है? नो, इट इज़ रॉन्ग. रॉन्ग इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए सही है, आर गलत है. ए गलत है, आर सही है. सी ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं. और डी ऑप्शन है, ए और आर दोनों गलत हैं. इसका राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, ए सही है और आर गलत है. देखिए वेव विंडो क्या होता है, आप ये समझ लीजिए. आपने देखा होगा नॉर्मल विंडो क्या होती है कि उसमें लकड़ी का फ्रेम या आयरन का फ्रेम लगा दिया जाता है और उसमें विंडो लगा दी जाती है. लेकिन जो वे विंडो होती है तो उसमें विंडो के ऊपर आपने देखा होगा कुछ इस तरह की दीवार जैसी बाहर को झुकी हुई सी होती है अच्छा दिखने के लिए. तो जो उसका जो शेप होता है वो विंडो के ऊपर से ऐसे थोड़ा सा ढालू होता है. तो वो क्या छत को छत के लिए जगह बढ़ाएगी कि वहाँ पर कोई बैठ सकेगा. ना तो उसके नीचे कोई बैठता है और ना ही कोई उसके ऊपर बैठता है. बिकॉज जो छत होती है, जो रूफ होती है, उसका जो उसकी जो दीवार होती है या उसकी जो छत होती है वो विंडो से ऊपर होती है. इसलिए इसका कोई मतलब नहीं होता है. इसलिए ये क्या है, ये तो सही है बट ये रॉन्ग है. रीज़न क्या है? रॉन्ग है. चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आय को मापा जाता है. क्या है? आय को मापा जाता है नॉमिनल. फर्स्ट ऑप्शन क्या है? नॉमिनल. सेकंड ऑप्शन ऑर्डिनल. थर्ड ऑप्शन रेशियो. और फोर्थ ऑप्शन क्या है? इंटरवल. आप ये समझ लीजिए. देखिए आपके पास आय को आप यहाँ पर छोड़ दीजिए. इसका सबसे पहले आंसर आप बताइए. आंसर क्या है इसका सही होगा? क्या होगा राइट ऑप्शन? आप कमेंट्स करके बताएं प्लीज़. इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? रेशियो. क्या होगा? रेशियो. ठीक है ना? तो कैसे रेशियो होगा ये समझिए. सपोज़ आप आय को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए छिपा दीजिए. आप ये समझ लीजिए मेरे पास पैसे हैं. आय होती है तो क्या होता है? पैसा ही तो आता है आपके पास ना. तो वही सोचिए, आपके पास पैसा है तो आपके पास अगर पैसा है तो आप उसको नाम नहीं देंगे क्या? उसका नाम देंगे कि इसका ये नाम है? नो, उसको नाम नहीं दिया जा सकता है. ठीक है ना? और ऑर्डिनल, उसको क्रमबद्ध भी नहीं किया जा सकता इस तरह से. ऑर्डिनल का मतलब होता है कि जैसे आपने अल्फ़ाबेट तरीके से किसी को दे दिया जाए, जैसे ए बी पहले अल्फ़ाबेट ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया. तो मनी को जो है, आय को जो है, वो इस तरीके से भी इंडिकेट नहीं किया जा सकता है. और रेशियो, रेशियो में इसको दर्शाया जा सकता है. सपोज़ आपके भी साथ कोई पार्टनर है और आप भी हैं. ठीक है ना? आपने कोई बिजनेस किया तो आप उसको रेशियो फॉर्म में रखते हैं कि भैया 50-50 का रेशियो रहेगा. ठीक है ना? या 20-20 और 80 का रेशियो रहेगा, या 60-40 का रेशियो रहेगा. तो आय को हमेशा किससे मापते हैं? रेशियो से मापते हैं. ओके. इंटरवल का मतलब होता है कि एक निश्चित गैप देना किसी भी संख्या में. एक निश्चित गैप देना, सपोज़ 5, 10, 15, 20, 25, हर 5-5 के बाद आता है, ये क्या होता है? इंटरवल सेशन होता है. अब हम नेक्स्ट बात करेंगे बीटा कैरोटीन को विटामिन ए. क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ये हम सब जानते हैं. लेकिन ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था और इतने घुमा कर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आने के बावजूद भी कई लोगों ने इसको गलत किया होगा. ठीक है ना? जबकि एक बार नहीं 10 बार सब लोग देखे होंगे और सबको पता होगा. मेरे अकॉर्डिंग सबको ये आंसर पता होगा बट इसको समझ नहीं पाए ये पूछा किस तरीके से गया क्वेश्चन. चलिए देखते हैं. बीटा कैरोटीन को विटामिन ए, मतलब विटामिन ए क्या होता है? रेटिनॉल. हम आपको जब न्यूट्रिशन पढ़ाए थे उसमें हमने आपको बताया था कि जो विटामिन ए होता है, जो प्राणी जगत होता है उसको क्या बोलते हैं? रेटिनॉल. और जो जो वनस्पति जगत होता है वो कैरोटीन होता है. ठीक है ना? तो ये इतनी बात तो समझ गए. बीटा कैरोटीन को विटामिन ए मतलब रेटिनॉल में बदलने के लिए ICMR 2000 द्वारा प्रस्तावित अनुपात है. आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा बीटा कैरोटीन होता है वो कितना हम लोग लेते हैं, कितना लेते हैं कि हम लोग 4800. ठीक है ना? अब जब ICMR का चार्ट आप उठाइए और उसकी उसमें जो मात्रा दी गई है उसको देखिए तो 48 मिलेगा और 600 मिलेगा. ठीक है ना? तो जो हमारा
विटामिन ए रेटिनॉल जो है वो मिलेगा आपको 600 और बीटा कैरोटीन मिलेगा कितना 4800। तो जब आप इसको रेशियो के उसमें चेंज करेंगे मीन्स 6 कम 6 और 6 दूनी 48, ठीक है ना। तो यही है रेशियो 1:8 के रेशियो में, कितना इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, 1:8 के रेशियो में। मीन्स अगर आप जो अगर आप ये अगर एक भाग आप रेटिनॉल लोगे तो आपको बीटा कैरोटीन कितना लेना होगा, 8 गुना लेना होगा, तब आपकी इक्वल आपको इससे प्राप्त होने वाले पोषक तत्व तो मिल पाएंगे, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभिकथन ए है, नवाचार सृजनात्मकता की तरह होता है। ये बिल्कुल सही है कि नवाचार क्या है, सृजनात्मकता की तरह होता है। कारण आर देखिए, सृजनात्मकता नए विचारों को सृजन करने की क्षमता है। सृजनात्मकता नए विचारों को सृजन करने की क्षमता है, और नवाचार का तात्पर्य सृजनात्मक विचार का सामाजिक प्रयोग। नवाचार का तात्पर्य है सृजनात्मक विचार का सामाजिक प्रयोग। तो आप ये समझिए कि नवाचार क्या है, पहले तो यही जानिए। नई नई चीज़ों को हम अपने लाइफ में इम्प्लीफाई करें, दैट्स कॉल बहुत इजी लैंग्वेज में नवाचार। तो क्या नवाचार सिर्फ सृजनात्मक विचार से ही हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना, ठीक है। तो यहीं से पता चल जाता है कि इसका राइट ऑप्शन देखते हैं क्या है, कि ऑप्शन नंबर ए सही है, आर गलत, बी ए गलत है, आर सही है, सी ए और आर दोनों गलत हैं, और लास्ट क्या है, ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ए सही है जबकि आर गलत है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, छोटे मुड़े हुए अथवा विचित्र आकार के वस्त्र की सिलाई के निमित्त आम तौर पर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मशीन पटल का प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आता होगा, सबको आता होगा, इसका आंसर लिख के भेजें, कमेंट्स करें प्लीज़, हम देखें आप लोग कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं, ठीक है। मुड़े हुए, आपको वहीं से पकड़ना है, यहीं से समझना है क्वेश्चन, छोटे मुड़े हुए अथवा विचित्र आकार के वस्त्र की सिलाई। यहाँ पर इंडिकेट कर दिया है वस्त्र की सिलाई, जबकि छोटे मुड़ी हुई सिलाई जो होती है वो जूते और चप्पल में भी की जाती है। और तो आपको ये सोचना है कि जब भी छोटे और मुड़े हुए आकार की सिलाई होगी तो वो कैसी होगी, बेलनाकार, मीन्स सिलेंडरिकल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिलेंडरिकल। इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बेलनाकार, ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैविक प्रौढ़ता से संबंधित विकार अथवा रोग। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है, इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से पढ़ा करें और इनके आंसर भी बहुत ध्यान से दीजिए। बिकॉज होता क्या है, हम लोग पढ़ते हैं और सोचते हैं आ जाएगा, लेकिन जल्दी में क्या होता है, क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ते और आंसर गलत टिक करके चले जाते हैं। तो इसे पूछा क्या है कि संबंधित विकार अथवा रोग नहीं है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, संबंधित विकार अथवा रोग नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है बुलिमिया, और सेकेंड ऑप्शन है प्रेस वाई क्यूसिस, और दूसरा है मैकुलर रोग, और लास्ट है हमारा मस्तिष्क रोग। क्या है, मस्तिष्क रोग। तो देखिए, जो हमारी बुलिमिया है, जो हमारा बुलिमिया रोग है, ये क्या होता है कि ये एक खासकर ये बीमारी महिलाओं में होती है, क्योंकि मोस्टली आपने देखा होगा कि महिलाएं उनको हमेशा ये लगा रहता है कि हम मोटे हो रहे हैं, हम मोटे हो रहे हैं, हम मोटे हो गए हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को बुलिमिया में क्या होता है कि इस ये फितूर भर जाता है, और पर्सन किसी चीज़ को खाता है और खाने के बाद क्या कर देता है, उल्टी कर देता है। तो ये जैविक नहीं है, मीन्स आनुवंशिक नहीं है, ठीक है ना। बाकी जो चीज़ें हैं, प्रेस वाई क्यूसिस, मैकुलर रोग और मस्तिष्क, ये आपके जैविक प्रौढ़ता से संबंधित है, मीन्स आनुवंशिकता से संबंधित हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे टैबुला रासा का मतलब होता है, मतलब नहीं, मतलब होता है टैबुला रासा।
टेम्बलर आशा का सिद्धांत किसने दिया है? सबको पता होगा, आई होप दैट सबको पता होगा, जॉन लॉक ने दिया है। और इन्होंने बताया है, टेबुलर रासा में जॉन लॉक ने बताया कि बच्चे का जो मस्तिष्क होता है वो एक कोरी स्लेट के समान होता है। मीन्स आप बच्चे को एक बच्चे को जो बनाना चाहे वो बन जाएगा। आप उसके उस कोरी स्लेट में, मीन्स उसके उस खाली दिमाग में जो कुछ लिखेंगे वो उसके माइंड में क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। इस तरह का सिद्धांत किसने दिया है? जॉन लॉक ने दिया है। और उन्होंने इस सिद्धांत को बताया टेबुला रासा, मीन्स ब्लैंक स्लेट, खाली स्लेट, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन, राइट ऑप्शन क्या होगा? ब्लैंक स्लेट, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, परिकल्पना के बारे में सत्य है। परिकल्पना मतलब हाइपोथेसिस, ठीक है ना। तो परिकल्पना, और अगर और इसको सरल लैंग्वेज में समझना चाहें तो कल्पना करने, मीन्स कोई भी काम करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कल्पना से पहले सोचना, किसी भी विषय में पहले से सोचना, दैट्स कॉल्ड परिकल्पना। उसका मीन्स हम पूरी तरह से एक पूरा फिगर ड्रॉ करते हैं कि पहले क्या करना है, योजना बनाना। हम योजना बनाते हैं किसी भी काम करने को, पहले सोचते हैं कैसे होगा, क्या होगा। तो यही क्या है, परिकल्पना। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, ये अंतिम परिणाम है। ऑप्शन नंबर बी, ये सामान्य धारणा है। ऑप्शन नंबर सी, ये वैज्ञानिक पद्धति का अविरल चरण है। ऑप्शन नंबर डी, यह एक सामान्य निर्णय है, ठीक है ना। तो देखिए आपको यहाँ पर, आप लोग इसका आंसर बताइए अभी, कमेंट्स करके बताइए, ये सबको क्वेश्चन आ रहा होगा। देखिए इसका राइट ऑप्शन है, यह क्या है, सामान्य धारणा है। कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है, स्वाभाविक सी बात है, ये नॉर्मलाइजेशन है। अगर आपको कहीं जाना होता है आप क्या करते हैं, पहले से सोच लेते हैं ना कि मुझे जाना है, क्या करना है, जाने के लिए क्या करना है। तो वही क्या, एक सामान्य धारणा है। जो व्यक्ति इसको इस तरह की परिकल्पनाओं को पहले ही हर व्यक्ति हर काम में हर जगह इम्प्लीफाई करता है, तो ये क्या है, सामान्य धारणा है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, शरीर के ऊतकों में तरल के जमा होने को कहते हैं। शरीर के ऊतकों में तरल के जमा होने को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पेलाग्रा, ऑप्शन नंबर बी स्कर्वी, ऑप्शन नंबर सी एडिमा, और ऑप्शन नंबर डी ओस्टियो मलेशिया। मलेशिया नहीं है, मलेशिया होता है, ठीक है ना। तो पेलाग्रा क्या है, नायसिन की कमी से होता है, सभी जानते हैं शरीर के ऊतकों में। और स्कर्वी विटामिन सी। जो एडिमा होता है, जब प्रोटीन का पाचन सही से नहीं हो पाता है तो शरीर के ऊतकों में क्या होता है, पानी भरने लगता है, दैट्स कॉल एडिमा डिसीज। ओके, तो क्या कहलाती है, दैट्स कॉल एडिमा। और ऑस्टियोमलेशिया क्या होती है, विटामिन डी की कमी से होती है ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, इस तरह की, ये हड्डियों से संबंधित होता है। तो आपको आंसर पता चल गया होगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी एडिमा होगा, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूक्लियो प्रोटीन एवं ग्लाइको प्रोटीन को जाना जाता है। न्यूक्लियो प्रोटीन एवं ग्लाइको प्रोटीन को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए साधारण प्रोटीन के रूप में, ऑप्शन नंबर बी व्युत्पन्न प्रोटीन के रूप में, ऑप्शन नंबर सी युग्मी प्रोटीन के रूप में, ऑप्शन नंबर डी प्रोटेमिन के रूप में, ठीक है ना। तो बताइए आप क्या होगा, क्योंकि हम इसमें बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो हमारे न्यूट्रिशन के लेक्चर देख चुके होंगे, बहुत अच्छे से समझाया था। आंसर दीजिए प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं। चलिए देखिए हम आपको बताते हैं, ये क्या है, युग्मी प्रोटीन है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सी युग्मी प्रोटीन है, युग्मी प्रोटीन के रूप में। न्यूक्लियो प्रोटीन एवं ग्लाइको प्रोटीन, मीन्स ग्लाइकोजन और प्रोटीन, न्यूक्लियो और प्रोटीन, ये क्या है, युग्मी प्रोटीन है। ये इनका युग्म होता है, और ये यही प्रोटीन क्या होती हैं, युग्मी प्रोटीन के नाम से जान जाते हैं। बाकी अगर साधारण प्रोटीन की बात करें तो जैसे
गेहूं में ग्लाइडिन और मक्के में जिन, तो ये क्या है? साधारण प्रोटीन है। व्युत्पन्न प्रोटीन वो होती हैं जब हम किसी भी एंजाइम के प्रभाव से क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं, न्यू रूप में क्या उत्पन्न होती हैं, दैट्स कॉल्ड व्युत्पन्न प्रोटीन। जबकि अगर दो प्रोटीन आके एक साथ मिल जाएँ, दैट्स कॉल्ड युग्मी या संयुक्त प्रोटीन, ठीक है ना। और प्रोटोमीन, ये प्रोटोमीन, तो इसलिए राइट ऑप्शन क्या होगा, युग्मी प्रोटीन के रूप में, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से अंतः वैयक्तिक मानव संसाधन है। अंतः वैयक्तिक मानव संसाधन, अभी हमने आपको बताया अंतः वैयक्तिक क्या होता है, इंट्रा पर्सनल। अंतर वैयक्तिक क्या होता है, इंटर पर्सनल। इंट्रा और इंटर, इंट्रा मतलब अपने अंदर, इंटर मतलब दो चीज़, दो व्यक्तियों के बीच में जो संप्रेषण हो, दैट्स कॉल्ड इंटर। तो यहाँ पर बात हो रही है अंतः वैयक्तिक मानव, मीन्स अपने अंदर, इंट्रा पर्सनल की बात हो रही है, मीन्स हम क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या आकलन करते हैं। तो देखिए, उद्यान और विद्यालय क्या ये अपने अंदर होते हैं? नो, इसलिए दिस इज रॉन्ग। कौशल अभिवृद्धि ज्ञान, जो कौशल होता है आपके अंदर, जो भी कौशल है, जो अभिवृत्तियाँ हैं, जो ज्ञान है, तो ये क्या है, आपके अंदर है, आपसे ये चीज़ें कोई ले नहीं सकता है, तो ये क्या होंगे, अंतः वैयक्तिक होंगे, अंतः वैयक्तिक ज्ञान होंगे। और वायु, स्थान, तापक्रम सभी लेते हैं, सबको मौजूद होती हैं, सब बाहर होते हैं। कार्य, ग्रह, फर्नीचर, ये भी रॉन्ग हुआ, इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, कौशल अभिवृत्ति ज्ञान, ठीक है ना। अंतः व्यक्ति मानव संसाधन क्या होंगे, कौशल अभिवृद्धि और ज्ञान। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस हैं हम लेके आए थे। आप सभी लोग बताएं कि 18 में से किसके क्वेश्चंस कितने सही हुए, आप लोग कमेंट्स करके बताएं, और बिल्कुल सही से अपना आकलन करिएगा, ओके। और आप इस चीज़ का आकलन करें, समझें, जानें, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसके चारों के चारों ऑप्शन सॉल्व करने की कोशिश करें। इसी तरह से हम आपको प्रैक्टिस सेट देते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।